हम एक राउंड घूम के आ गए, हमें दुकान नहीं मिली, अभी दूसरा राउंड जा रहे हैं, शायद मिल जाए दुकान सेकंड राउंड में। टॉप में कोई है नहीं, हमने दिए हुए नंबर पर कॉल किया तो भैया ने बोला दो मिनट मारो। भैया बस ये रहा वॉलपेपर जो लगेगा इस वहाँ पे, वॉल पे ये लग रहा है वॉलपेपर, वाइज ये हो गया पूरा। फिर देखते फाइनल लुक कैसा लग रहा है। गाइस सुबह हो चुकी है एंड बहुत ज़्यादा सुबह हो चुकी है, एक्चुअली हम लेट हैं उठने में। आज नियो को पापा ले गए सुबह, यहाँ सो रखा मस्त करके। नियो गुड मॉर्निंग, चलो गुड मॉर्निंग करने तो आए तुम। पट्टा क्यों पहना हुआ अभी तक? हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या बनाया? क्या हुआ? वहीं रुक, वहीं रुको, शिमला मिर्च को पनीर की सब्जी। देखो दो रोटी मेले बना देना। गुड मॉर्निंग, कौन तुम्हें क्या हुआ? हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी टाइम जो हो गया ना वो 10:30 हो गया एंड आज हम नाश्ता करने वाले, क्योंकि भैया मन कर नाश्ता करने का, वर्कआउट वगैरह तो कुछ चल रही ना, तो एटलीस्ट नाश्ता तो कर लेते टाइम पे, ठीक है। अब मम्मी पापा देख रहे हैं ब्लॉग अपना कल का, तो हम खा रहे हैं सुबह सुबह शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी एंड साथ में रोटी, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं मस्त करके। आज भूख लग रही सुबह सुबह मेरे को, तुम भी खा लो, अभी इनफ है और ले लूँगा चाहिए होगी तो। हम जा रहे हैं एक राउंड नीचे, थोड़ा सा काम है, बताता हूँ आपको। दोनों गाड़ी की चाबी ले जा रहे हैं, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। सुबह सीन ये है कि अर्टिगा की चाबी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अर्टिगा में अपना सामान परसों ना कुछ रह गया, जैसे ड्रोन वगैरह छोटी मोटी चीज़ें एक तो पड़ी हैं तो वो ऊपर लानी है, और दूसरी गाड़ी की चाबी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दूसरी गाड़ी ना अंदर लगी हुई है, तो अर्टिगा पीछे करके दूसरी गाड़ी बाहर निकालेंगे, फिर अर्टिगा अंदर डालेंगे एंड छोटी वाली गाड़ी जो अपनी उसको बाहर ले आएंगे, क्योंकि पापा उसको बाहर ले जा रहे हैं ठीक करवाने के लिए, इतना काम है बस। ये देखो अपना ड्रोन यहीं पड़ा है, ठीक है। एक ये बैग छोटा सा पड़ा है, तीन पन्नियाँ ही पड़ी हैं, तो इनको उठा के ले जाएंगे अभी। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी से ना पहले नहीं होगी, सीट खोल के चढ़ा देते हैं, क्योंकि आए हैं तो गाड़ी को थोड़ा भैया साफ़ सुथरा भी कर देते हैं, जितना हम अपने हाथों से कर सकते हैं ना उतना साफ़ सुथरा कर देते हैं इसको। तो गाइस थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो कर दी हमने, अभी गाड़ी को बाहर निकालते हैं क्योंकि इसको निकालना पड़ेगा, उसको निकालना है तो इसको बाहर निकालेंगे, फिर उसको अंदर डालेंगे, सॉरी इस वाली गाड़ी को बाहर निकालेंगे, फिर छोटी वाली गाड़ी बाहर निकालेंगे, फिर अर्टिगा को वापस, फिर अर्टिगा को हम अंदर साइड खड़ी कर देंगे कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए। देखो ट्यूसडे है, सैटरडे तक मेरे को शायद अर्टिगा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सैटरडे तक ये वाली गाड़ी बाहर ही रहेगी। चलो देखो निकाल देते हैं बाहर, क्यों ना गाइस सेंटर लॉक नहीं है इसमें, चाबी से ऐसे करके ऐसे खोलना पड़ता है इसको। यस देखो गाड़ी ऐसी आवाज़ करती है, जब बहुत दिनों तक नहीं चलती ना तो इंजन ऐसी आवाज़ करता है। इसको बाहर शीशा बचा के भाई, उस गाड़ी की लाइट जल्दी छुड़ाया मैं, चलो कोई नहीं इसको फटाक से लगा देते हैं। इतनी जल्दी बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, इतनी जल्दी तो नहीं होगी बैटरी डाउन। इस वाली गाड़ी को लगा देते हैं अंदर जगह में, चलो गाइस गाड़ी का खड़ी कर दी है, अब इस गाड़ी को लेके ना बाहर लगा देते हैं, पापा इसी को ले जाएंगे थोड़ी देर में, इसमें कुछ काम वाम करवाना है। मैंने हवा भी चेक नहीं करी है, कैसे निकाल दिया मैंने, गाड़ी चलने में टक 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 कर रही है आवाज़, टायर में हवा तो ठीक है भाई, टायर में हवा तो कोई दिक्कत नहीं है, जरा टायर में हवा कम होगी। हम आ गए हैं सारा सामान लेके घर पे, या पकड़ो तो अपना सामान, ये मेरा सामान, बाकी इसको रख देते हैं। अरे भाई अभी आ रहे हैं, नो 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 अंदर चलो, अंदर चलो अभी आ रहे हैं। मैंने सोचा था ठीक है अब कुछ दिन नहीं खड़ी रहेगी, बट हमें तुरंत ही निकालनी पड़ेगी क्योंकि मैं और कोमल जा रहे हैं बाहर एक राउंड। हम जा किस काम कर रहे हैं बताता हूँ अभी। सीन ये है कि मैं और कोमल जा रहे हैं एक राउंड बाहर, यहाँ पे ना घर के पास में एक शॉप है होम डिकोर एंड वॉलपेपर्स की, तो देख के आते हैं, क्या पता उनके पास कोई अच्छा वॉलपेपर हो। तो हम सोच रहे हैं ना अपने घर की एक वॉल पे वॉलपेपर लगा के उसको डेकोर करने की, थोड़ा मतलब उसको थोड़ा डिफरेंट लुक देने की, तो दिखाएंगे आपको पूरा प्रोसेसर। पहले चल के देख लेते हैं कोई वॉलपेपर हमें पसंद आता है या नहीं आता। वैसा ना जो कलर हमें चाहिए या तो वो डार्क ब्लू होना चाहिए या डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू भी नहीं डार्क ग्रीन अगर हमें मिल गया कलर तो ज़्यादा बेटर है। तो देखते हैं चल के क्या अवेलेबल है वहाँ पे, क्या डिज़ाइन है। सो गाइस हम एक राउंड घूम के आ गए, हमें दुकान नहीं मिली, अभी दूसरा राउंड जा रहे हैं, शायद मिल जाए दुकान सेकंड राउंड में। इसको देखो शॉप तो मिली है हमें होम डेकोर करके, वॉलपेपर हैंड के पास, चलो चल के देखते हैं।
टॉप में कोई है नहीं, हमने दिए हुए नंबर पर कॉल किया तो भैया ने बोला दो मिनट में आ रहा हूँ भैया। ठीक है भैया, रुक जाते हैं। वापस आ गए, हमें एक वॉलपेपर का डिज़ाइन पसंद आया एंड हमने ऑर्डर भी दे दिया। ठीक है, वो बंदा आएगा लगाने घर पे तो आपको दिखाएंगे कौन सा डिज़ाइन है एंड कौन सी वॉल जो है हम जो करने वाले हैं चेंज। ठीक है, तो आपको दिखाएंगे एंड अभी फ़िलहाल चल रहे हैं घर वापस एंड सामने लग गया ट्रैफिक तगड़ा वाला। चलो भैया चलते हैं धीरे धीरे। वैसे गाड़ी लगा दी है, अभी यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। आज इस रास्ते से इसलिए आज यहाँ से इसलिए जा रहे हैं ना क्योंकि पीछे शॉप है, यहाँ से कुछ सामान लेना है, मतलब छाँछ वगैरह लेनी है मेरे को नियो के लिए ना, नियो छाँछ पिता देना है। छाँछ के साथ साथ मैंने थोड़े चिप्स भी ले लिए एंड ना एक नए वाले चिप्स आए हैं भूत चिप्स, मैंने वो भी लिए हैं। इनका एड बहुत देख लिया मैंने कहा ट्राई करते हैं, बहुत वैसे स्पाइसी होते हैं ये तो भैया रे। भूत चिप्स 2M के आए हैं, ट्राई करते हैं इनको आज। मुझे पता था सबसे पहले नहीं हो, तू ही आएगा। चल दो तरह बोल दे, और बोल दे आ गया मैं। अच्छा आ गया बेटा, चलो अंदर दरवाजा बंद करने दो, पहले दरवाजा बंद करने दो, चाबी टांगने दो। क्या हुआ कुत्तू, यहीं गया था, नीचे गया था। अच्छा अच्छा चलो 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 चलो, गुड बाय गुड बाय। ट्राई करेंगे भूत चिप्स एंड आपको खा के बताएंगे कितने स्पाइसी हैं। भाई टेस्ट करते हैं, तो सब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं चिप्स ये, पर कभी कभी स्पाइसी अच्छा होता है। नॉर्मल लग रहे हैं, अब लग रहे हैं है भाई स्पाइसी हैं, बहुत थोड़े स्पाइसी हैं, बाद में लग रहा है पूरा खाने के बाद है ना। लेकिन अब इससे पहले एक दिन हमने तुम्हें याद है वहाँ पे बनसा, हमने वो नहीं खाए थे, लेस नहीं खाते स्पाइसी वाले, हाँ वो ज़्यादा बेटर नहीं थे इससे, ये वो बहुत ज़्यादा बेटर थे, इतने तो कुछ भी स्पाइस नहीं है। लिखा है क्रिएटेड विद नागिन हॉट सॉस, ठीक है वैसे स्पाइसी कह सकते हो बट उतनी स्पाइसी नहीं है। ये लो टेस्ट करो उसको, अब बताओ कैसे स्पाइसी है नहीं है, मतलब कैसा लग रहा है आपको? देखने में लग रहा है तो बाप रे बहुत मिर्ची लग गई आपको, दूसरा खाओ, मेरे को तो बिल्कुल मिर्ची लगी इसमें, सही है ना, उतना ही है ठीक है, ओके ओके होते हैं किसमें, लेज वाले में मिर्ची नहीं होती इसमें, उसमें नहीं होती इसमें, चलो सही है मतलब ओके है। मम्मी को तो मिर्ची लग गई, पानी भी पीना पड़ा और मम्मी को लड्डू भी खाना पड़ रहा है ऊपर से, मुझे उतना नहीं लग रहा स्पाइसी। आंसू भी आ गया आपसे, अरे इतना स्पाइसी है इसका मतलब। फाइनल टाइम हो गया लंच का एंड हम खा रहे हैं आज राजमा चावल एंड मेरे फेवरेट आपके विनेगर ऑनियंस, ये ना इतने मस्त होते हैं ना भाई सलाद में, खाए होंगे वैसे आपने, ये मम्मी ने थोड़ा अलग स्टाइल से बनाया, इसकी रेसिपी दे देंगे बाद में। बस फिलहाल कर लेते लंच बढ़िया करके, आराम से मस्त करके, ठीक है। बस ये रहा वॉलपेपर जो लगेगा इस वहाँ पे वॉल पे, अभी कौन सी वॉल है दिखाता हूँ आपको, ये लग रहा है वॉलपेपर, देखते हैं पूरा लगने के बाद कैसा लुक आएगा इसका। बस ये हो गया पूरा, बेड बेड वापस अपनी पोजीशन में लगाते हैं फिर देखते हैं फाइनल लुक कैसा लग रहा है। सो गाइस ये है फाइनल लुक, फाइनल नहीं है और इसमें कुछ और चीज़ें भी करनी है हमें, मतलब ये इनिशियल लुक है वॉलपेपर लगने के बाद का, ठीक है। एक्चुअली सीन क्या था, बगल वाली वॉल से हमें थोड़ा हल्का सा डार्क कलर चाहिए था इसलिए हमने डार्क ग्रीन चूज़ किया एंड यही सबसे अच्छा डिज़ाइन दिख रहा था वहाँ पर डार्क ग्रीन में। वैसे भी आंटी लोग आए थे एंड आया गिफ्ट तो हम करेंगे अनबॉक्सिंग इसकी, चलो कोमल निकालो जरा गिफ्ट, मुझे लग रहा है जूसेस आए हैं बहुत सारे। रियल जूस, तीन जूसेस हैं, मिक्स फ्रूट रिच इन विटामिन सी, तीन तो बाबा ऑलरेडी घर पे पड़े हैं। चलो बढ़िया, क्रैनबेरी आ गया, क्रैनबेरी नहीं पिया मैंने बहुत टाइम से, ये पीऊंगा मैं। अच्छा तो तुम्हें मुझे बता रहा है भारी पी लेना। पिया हम कर रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग, जल्दी खोलो यार बड़ा टाइम लगा रही तुम, हार्ड हो ना उसको जोर से। क्या है इसमें, मक्का सेट है, सुंदर लग रहा
कॉफी मांगे बहुत प्यारा वो, ये बहुत क्यूट है। देखो इसमें ना हम स्नैक्स रखे फिर देखेंगे टीवी देखेंगे इसमें स्नैक्स। ये पॉपकॉर्न या चिप्स रखने के लिए बहुत सही है। चिप्स और सही है, अच्छा है यार। रखो साथ में एक बार। सो गाइस ये रहा गिफ्ट अपना, काफी सुंदर लग रहा है। आज डिनर लग चुका है अपना, डिनर कर लेते हैं। आज बनी है मटर मशरूम की सब्जी, साथ में रोटी है एंड थोड़ा कोफ्ता है। ठीक है, कर लेते हैं फटाफट डिनर अपना। सो गाइस कल आने वाला ब्लॉग मैंने एडिट करके अपलोड कर दिया है, ये हो चुका होगा मेरे ख्याल से अपलोड। ओके गाइस, टाइम भी बहुत हो गया है, ऑफिस खत्म करने में ना आज काफ़ी मतलब थोड़ा बिजी था ऑफिस ले ब्लॉग शाम के टाइम पे ब्लॉगिंग थोड़ी कम हो पाई। ओके सो गाइस इसी के साथ करते हैं इस वीडियो वहीं पे खत्म एंड आपसे मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड देखते रहिए पीयूष के ब्लॉग्स।